ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब जो न्यूरॉन्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कल हमने अलग अलग लेवल पे देखे थे। सबसे पहले जो था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस। दो प्रकार के ब्रांचेस हमने पढ़े थे, एक सिंगल लॉन्ग ब्रांच एग्जॉन पढ़े थे और जो शॉर्ट ब्रांचेस थे दैट वाज डेंड्रॉन्स। और सेल का जो सेलुलर पार्ट था दैट वाज साइटॉन। अब पहला टाइप जो हमने पढ़े थे जिसमें ये रहेगा साइटॉन, जिस पॉइंट से एग्जॉन निकलता है उसी पॉइंट से डेंड्रॉन निकला, तो सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसको हमने कल पढ़े थे यूनिपोलार न्यूरॉन। दूसरा था साइटॉन, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्सॉन का और दूसरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन डेंड्रॉन का। तो टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, तो इसको कल हमने पढ़े थे बाइपोलार न्यूरॉन। क्या पढ़े थे? बाइपोलार न्यूरॉन। और तीसरा था मेनी पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, अगर याद होगा। ये साइटॉन है, ये निकला एक्सॉन, ठीक। एक्सॉन का एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया डेंड्रॉन्स, 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 मतलब मेनी पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। तो इसको कल हमने पढ़े थे मल्टीपोलार न्यूरॉन। ओके, तो सिंगल ओनली वन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अगर एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखो यहां पे साइटॉन में जिस पॉइंट से एग्जॉन निकला, अगर उसी पॉइंट से डेंड्रॉन निकला, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसलिए वो हो गया यूनिपोलार न्यूरॉन। फिर उसके बाद टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, मतलब यहां पे टू पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, हाउ मेनी टू पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन करके वो रहा बाइपोलर। बाई मतलब टू, यूनि मतलब सिंगल। अब यहां पे देखो मेनी पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, एक है एग्जॉन के लिए और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है डेंड्रॉन्स के लिए, मतलब यहां पे हुआ
many points of origin. Many points of origin. ठीक. अब ये तो हो गया on the basis of points of origin. अब दूसरा टाइप जो रहेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उसके लिए अपन ने एक पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें ब्रेन भी आ गया प्लस स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर हमने पढ़े थे जो सेल स्टिमुलस रिसीव करता है उसको हमने पढ़े थे रिसेप्टर, और मसल जिसकी वजह से शरीर में एक्टिविटीज होती है उसको हमने पढ़े थे इफेक्टर्स. ठीक. अब रिसेप्टर और CNS के बीच में रिसेप्टर और CNS के बीच में एक न्यूरॉन पड़े थे और उस न्यूरॉन का नाम था सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा न्यूरॉन अपन ने पढ़े थे CNS ब्रेन एंड मसल के बीच में. और इसको अपन ने पढ़े थे मोटार न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इंपल्स को कंडक्ट करता है, मतलब मैसेज वाला इंपल्स लेके जाता है ब्रेन की तरफ. फिर अपन ने पढ़े थे ब्रेन उस मैसेज के अनुसार डिसीजन लेता है और अपना डिसीजन इफेक्टर को देता है मोटार न्यूरॉन्स के द्वारा. तो सेंसरी न्यूरॉन का मेन काम है सेंसरी इंपल्स को कंडक्ट करना, मोटार न्यूरॉन का काम है मोटार इंपल्स को कंडक्ट करना. फिर दोनों के बीच में सेंसरी और मोटार के बीच में एक और न्यूरॉन होता है और इस न्यूरॉन को अपन ने पढ़े थे इंटरमीडिएट. इसीलिए नाम पड़ा इंटर, मतलब बिटवीन, मीडिएट मतलब बीच में, दो के बीच में जब कभी कोई चीज होती है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं. तो ये हो गया इंटरमीडिएट न्यूरॉन. इस इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने सेंसरी को मोटार से जोड़ा है
कनेक्ट किया है, इसलिए कनेक्टिव न्यूरॉन या कनेक्टिंग न्यूरॉन। और एक टर्म आता है सेंसरी को मोटार के साथ एसोसिएट किया, इसीलिए इसका दूसरा नाम एसोसिएशन न्यूरॉन। तो तीन प्रकार के न्यूरॉन्स हो गए फंक्शन के बेसिस पे। सबसे पहला रहेगा सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट बिटवीन रिसेप्टर एंड सीएनएस। मेन फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज टू कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। दूसरा रहेगा मोटार न्यूरॉन। दिस मोटार न्यूरॉन इज एक्सटेंडिंग और प्रेजेंट बिटवीन सीएनएस एंड इफेक्टर्स। इसका मेन रोल है मोटार इंपल्स को कंडक्ट करना फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। तीसरा न्यूरॉन है इंटरमीडिएट न्यूरॉन और कनेक्टिव न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन। इसका मेन रोल रहेगा इट कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन विथ मोटार न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को मोटार न्यूरॉन के साथ जोड़ देता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग या एसोसिएशन न्यूरॉन। क्लियर? चल अब लास्ट मेन वाले इस पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ covering, on the basis of covering, covering को cover को biology में sheath बोलते हैं। specially याद रखो sheath मतलब covering। अब हमारे body में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, साइटॉन, ये हो गए डेंड्रॉन्स, और ये हो गया एक्सॉन। This one is an exon. Multipolar. उसके बाद ये रहेगा न्यूक्लियस। और एक चीज है मैं पावर पॉइंट में बता दूंगा, निसल्स ग्रैन्यूल्स, इसको हम हाईलाइट करेंगे ना नीट के पीरियड में। ठीक, और एक बना देते हैं, और एक बना देते हैं, है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज। डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स वगैरह नहीं बनाते बेटा ये अपन। उसके बाद दिस पार्ट विल बी एन एक्सॉन।
ये हो गया एक्सॉन। ठीक, ये रहेगा न्यूक्लियस, ये रहेंगे नेसल्स ग्रैन्यूल्स, ये हो गया नेसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक, अब शीत मतलब कवरिंग। ओके, अब यहां पे कवरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहां पे कवरिंग है सब कुछ, ये हो गया शीट। मेनली जो लेंथ वाला पार्ट है, ये लेंथ वाला पार्ट मोस्टली एक्सॉन का रहेगा। ओके, इसके ऊपर में जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। ठीक, और बीच बीच में जो अंदर में दबा पड़ा है, दैट इज नोड्स ऑफ रेनवियर। सब आएगा डिटेल्स बेटा बाद में, क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब अगर कवरिंग है तो दैट इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। ठीक, और अगर सपोज माइलिन शीट नहीं है, कवरिंग नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। ठीक, अब होता क्या है, कोई भी एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। एक वायर है हमारे घर में, स्विच और बल्ब के बीच में जो वायर होती है, स्विच और बल्ब के बीच में जो वायर होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है, ये प्लास्टिक का कोटिंग है। सो वायर के ऊपर क्या है, प्लास्टिक कोट है। जैसी अपन ने स्विच को ऑन किए, अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बराबर, ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब सपोज अपन ने इसको टच किया, इस वायर को टच किया, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ऐसे वायर को अगर अपन ने टच किया तो हमको शॉक
लगेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर सपोज कोई भी स्विच और बल्ब के बीच में अगर वायर है, जैसे स्ट्रीट लाइट में होता है, बराबर वायर है और उसके ऊपर अगर प्लास्टिक कोट नहीं है, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और अगर हम टच करेंगे तो शॉक लगेगा। शॉक लगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिस्पर्स हुआ। सेम लॉजिक इसमें है। जब चार्जेस पास होगी, इंपल्सेस माइलिनेटेड में से, तब डिस्पर्स नहीं होगा। डिस्पर्स के कोई चांसेस नहीं है, कारण इसके ऊपर माइलिन शीट है, कोटिंग है। सो इंपल्सेस के डिस्पर्स होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन वही नॉन माइलिनेटेड में, क्लियर, वही नॉन माइलिनेटेड में जब इंपल्सेस कंडक्ट होगी तो फैलने के चांसेस है, डिस्पर्स के चांसेस है। बराबर, डिस्पर्स के चांसेस है और जैसे ही इंपल्स डिस्पर्स होगा, कंडक्शन ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा? स्लो। और यहां पे डिस्पर्स नहीं होने की वजह से कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज फास्ट। बराबर, कंडक्शन ऑफ इंपल्स क्या रहेगा यहां पे? फास्ट रहेगा, कारण जो इंपल्स कंडक्ट हो रही है उसको डिस्पर्शन के कोई चांसेस नहीं है। बराबर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब क्लियर, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, ओके, कोई चांस नहीं। तो यहां पे